शेर आखिर घास क्यों खाते हैं? भारत में 100 रुपए का नोट क्यों छापा गया था? और इस कप को लालची कप क्यों कहा जाता है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 500 बीसी में ग्रेट मैथमेटिशियन पैथागोरस ने एक कप का इन्वेंशन किया था, जिसके नाम भी उन्होंने पैथागोरस कप रखा था। जनरली इसको ग्रीडी कप या जस्टिस ऑफ कप भी कहा जाता है, जिसमें आप यदि लालच के कारण ज्यादा लिक्विड भरोगे तो स्वतः ही लिक्विड गिर जाएगा। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। दोस्तों, इसमें इस पाइप को कॉलम कहा जाता है और ये ऐसे मुड़कर यहाँ एंड हो जाता है, और इसका ये मिडल वाला पार्ट ही लिमिट होता है। जब तक आप इसमें ड्रिंक लिमिट तक भरोगे, तब तक आप इसमें ड्रिंक एंजॉय करोगे। यदि आपने लिमिट को क्रॉस किया तो सारा ड्रिंक स्वतः ही बाहर निकल जाएगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, जब भी हम जेल का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक दर्द भरे स्थान का चित्र बनता है, लेकिन दोस्तों जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कोई 5-स्टार होटल नहीं है, बल्कि स्वीडन की सोलेंटुना प्रिजन जेल है, जिसमें कैदियों को रखा जाता है। इस जेल में कैदियों को अपना पर्सनल रूम दिया जाता है, और उस रूम में खुद का किचन, बाथरूम और फिटनेस के लिए जिम की भी सुविधा दी जाती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान की मूवी थिएटर के शौचालय में फर्श पर भी स्क्रीन लगी होती है, ताकि दर्शकों को 1 मिनट के लिए भी फिल्म को छोड़ना ना पड़े। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि जापान का तो अपना एक अलग ही लेवल है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, साल 2022 में यानी इसी साल पृथ्वी से मंगल ग्रह पर एक ट्रिप जाने वाली है, जिसके लिए 1 लाख लोगों ने पहले से ही अप्लाई कर रखा है। और हैरानी की बात यह है कि इस ट्रिप के वापस आने की कोई भी गारंटी नहीं है, इसके बावजूद भी इतने लोगों ने अप्लाई कर रखा। दोस्तों, यदि आपको मौका मिले तो क्या आप मंगल पर जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अक्सर हम कपड़े को धुल कर उसका सारा पानी निचोड़ देते हैं, लेकिन यही काम हमें अगर स्पेस में करना हो तो क्या होगा? कभी आपने सोचा है? नहीं तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अभी जो आप क्लिप देख रहे हो उसमें एक साइंटिस्ट पानी निचोड़ रहे हैं, लेकिन पानी का एक भी बूंद नहीं गिर रहा है। दरअसल दोस्तों, स्पेस में 0 ग्रेविटी होने के कारण ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते कि BMW ने एक ऐसी कार को इन्वेंट किया है जो सिर्फ एक क्लिक पर ही अपने कलर को चेंज कर लेती है, इसीलिए इसको दुनिया का फर्स्ट कलर चेंजिंग कार भी कहा जा रहा है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कभी एक इंसान के अंदर गए हैं, तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी, पर दोस्तों नीदरलैंड में एक म्यूजियम है जिसका नाम कॉर्पस म्यूजियम है, जिसमें ह्यूमन बॉडी की इंटरनल एनाटॉमी को बनाया गया है। इसमें यदि आप एंटर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी इंसान के अंदर जा रहे हो, और आप उसके प्रत्येक ऑर्गन तक जाकर वापस भी आ सकते हो। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि न्यू ईयर सभी देशों में अपने ट्रेडिशन और रिचुअल के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रांस के लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी पुरानी कारों को कुछ इस तरह से जलाकर खाक ही कर देते? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अक्सर कुछ लोगों को डॉग्स पसंद होते हैं, कुछ लोगों को बिल्लियां, पर क्या आप जानते हैं कि वियतनाम में कुछ स्पेसिफिक कैट्स और डॉग्स के ब्रीड को आपस में क्रॉस करके कुछ इस तरह के बेहद अमेजिंग डॉग कैट ब्रीड को तैयार किया गया है? और कमाल की बात तो ये है कि इन जानवरों में कैट्स और डॉग दोनों की आदतें मौजूद होती हैं। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे जानवरों को पालना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अमेरिका के मिशिगन झील के तटों पर काफी तेज हवाएं चलती हैं, जिसके कारण वहां की तटों पर कुछ इस तरह के बेहद अमेजिंग आकृतियां बनकर तैयार हो जाती हैं, जो देखने में किसी चेस के प्यादों की तरह दिखाई देती है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति भी चेस खेलने का इरादा रखती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में 2007 में 0 रुपए का नोट भी छापा गया था, लेकिन इसे RBI ने नहीं छापा था, बल्कि फिफ्थ पिलर नाम की एक NGO ने लाखों की संख्या में ये नोट छापे थे। NGO ने रिश्वतखोरी के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये नोट हिंदी, तेलुगु और कन्नड़, मलयालम भाषाओं में छापे, और इन्हें रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर भी लोगों में बांटा गया था। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपको पता होगा कि शेर मांसाहारी जानवर है, और आपने बहुत से लोगों के पास सुना होगा कि शेर कभी घास नहीं खाते हैं, परंतु यह बात पूरी तरह झूठी है। शेर बहुत बार कुछ कारण से घास को खाते हैं, वो क्या कारण है चलिए जानते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि शेर बहुत ज्यादा मांस खा लेते हैं, तो उसको पचाने में दिक्कत होती है, इसलिए शेर घास खाता है, क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है जो कि उसे पचाने में मदद करता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।